राज्य सचिवालय में आयोजित विधायक प्राथमिकता की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बहुमूल्य सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इन सुझाव की झलक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने फिर कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है और इस मामले में जरूर कोई रास्ता निकाला जाएगा और शीघ्र ही सीमेंट विवाद भी सुलझ जाएगा। आज जिला कांगड़ा के विधायक दल की बैठक थी, सभी विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और जो भी प्राथमिकताएं विधायकों ने बताई है वो बजट में दर्शाई जाएगी। निश्चित तौर पर बड़े अच्छे विचार, चाहे वो विपक्ष के विधायक थे, जो तो अनुभवी हमारे एक स्पीकर महोदय विपिन परमार जी थे और दूसरे अनुभवी हमारे विक्रम ठाकुर जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। अच्छे सुझाव उन लोगों ने दिए, नए विधायकों ने भी अच्छे सुझाव दिए, केवल पठानिया जी थे, सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए और जो सुझाव उनके आए उस पर हमारे अधिकारी पूरी तरह गौर कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सब चीज़ों को हमारी विधायक प्राथमिकता में शामिल करेंगे। बजट सत्र कब तक संभावना? देखिए, बजट सत्र अभी जल्दी ही हम इस पर फैसला ले लेंगे। मेरा मानना है कि मार्च में बजट सत्र हमारा। सर, 4 तारीख के लिए सीमेंट प्लांट वाला? देखिए, कल भी हमारी ट्रक ऑपरेटर से बातचीत हुई है, हम तो सिर्फ नेगोशिएशन की भूमिका अदा कर सकते हैं। जो सीमेंट कंपनी है और जो ट्रक ऑपरेटर है उनके बीच में एक आम राय बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रकर्स के हित की बात है, मैंने कई बार कहा कि ट्रकर्स हमारे प्रदेश के निवासी हैं, अपना रोजी रोटी ट्रक के द्वारा कमाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा और उनके हितों को ध्यान में रखकर ही हमने कल उनसे बातचीत की है। अब वो कल हमसे दोबारा मिलने आएंगे और अपना जो विचार है वो मैं साफ हमारे पास। सर, क्या आपकी अदानी से इस बारे में बात हुई है? नहीं, विवाद अदानी से बात कर रहा है, मैं क्यों बात? हाँ जी, ना मेरी कोई ऐसा है, इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी मीटिंग में बैठे हैं, उनकी बात है और सारी जानकारी। मैंने ये कहा कि हम इसको समस्या को समाधान करना चाहते हैं।